हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अकबर का बेड, उसके अलावा उसके के खास महल जहाँ वो खास लोगों के साथ वेटिंग करता था। तो ये जो जगह है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो चलते हैं, देखते हैं अकबर का बेड और अकबर का बेडरूम जहाँ पर वो रहा करता था। तो चलो चलते हैं। फतेहपुर सीकरी के हम उस हिस्से पर आ चुके हैं जहाँ पर तानसेन बैठ के गाना गाया करता था। ये जगह आप जो देख रहे हैं ना यहाँ सामने, ये यहाँ तानसेन बैठा करता था और संगीत गाया करता था। इसे अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बाकी सभी लोग उस टाइम पे बैठ के उनके गीत का आनंद लिया करते थे। जो देख रहे हैं आप, यह है दीवाने खास। यहाँ पर दो रूम भी बने हैं इसके ऊपर, जहाँ पर जो अकबर की लाइब्रेरी हुआ करती थी उसमें किताबें वगैरह रखा करता था अकबर उस टाइम पे। और यहीं पे ही वो बाकी लोगों से किताबों को सुना करता था, क्योंकि अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था। ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये है दीवाने खास। ये जो सामने आप ये बर्तन सा देख रहे हैं, ये अकबर के बेडरूम के पास में स्थित है। इसके अंदर जो है ठंडा पानी डाला जाता था, उसके अंदर गुलाब के फूल होते थे और इत्र हुआ करता था। और इसके पास में नाला बनाया हुआ है, आप सामने देख रहे हैं ना, ये सीधा होता हुआ अकबर के बेडरूम तक जाता है। तो वह ठंडा पानी और वो गुलाब के फूल इस कमरे के अंदर तक लाए जाते थे, जिससे कि कमरा महका हुआ रहे और ठंडा रहे। अब उस ज़माने में एसी वगैरह तो थे नहीं, इस वजह से इस तरह की तकनीक से अकबर जो है अपने रूम को खुशबूदार रखता था और ठंडा रखता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है अकबर का बेड। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचाई पर भी है। तो उस ज़माने में हो सकता है कि अकबर के लिए सीढ़ियाँ, टेम्परेरी सीढ़ियाँ लगाई जाती हो ऊपर तक चढ़ने के लिए। ये चीज़ जगह आप जो देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित है, काफ़ी सुंदर जगह है और देखने लायक जगह। अगर आप फतेहपुर सीकरी में आते हैं तो उसके फतेहपुर सीकरी के अंदर जितने भी देखने लायक जगह है, जैसे जोधा का महल हुआ और तुम्हारा अकबर का महल हुआ, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ आकर के। इन सभी जगहों के लोग हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने इस चैनल पर, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फतेहपुर सीकरी का पूरा व्लॉग जो है बहुत जल्दी ही हमारे इस चैनल पर आने वाला है। तो ये देखिए आप सामने जो ये रूम है, ये लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है पूरा। इसके अलावा तो ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।